नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने गार्डन से छोटी सी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करेंगे और कुछ फ्रूट्स हैं वो भी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। उससे पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं ये ग्रीन एप्पल बेर का प्लांट है मेरा, और इससे मैं पहले भी 2-3 बार ही हार्वेस्ट कर चुका हूँ। हम जब भी मैं छत पे आता हूँ तो एक दो बेर मेरे मुंह में जाते रहते हैं, और इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने हार्वेस्ट किए थे। आज इसकी हम जो है पहले थोड़ी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप इनका साइज़ देखिए, मैंने इससे पहले जो वीडियो शेयर की थी मैंने इसमें बताया था कि इस प्लांट को आपको किस तरीके से रेडी करना है ताकि इसमें आपको अच्छे से फ्लावरिंग और फ्लोटिंग मिल सके। आप इनका साइज़ देखिए, और एकदम ये मीठे बेर हैं। इसमें मेरे पास एक वैरायटी और लगी हुई है कश्मीर एप्पल बेर की, और उसमें भी जो है कलर आना उसका शुरू हो गया है, लेकिन वो साइज़ में इससे थोड़ा छोटा है, तो मैं उसका भी आपको बेर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसको जल्दी से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो ये एप्पल बेर का प्लांट है आप इसको अपनी छत में ज़रूर से उगा सकते हैं, ये अच्छे से फ्लोटिंग करता है। आप इनका साइज़ देखिए, मेरे पास लाजवाब है और ये रसीले और मीठे बहुत हैं। तो आप इसका प्लांट जो है कि अपने छत में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में। मैंने इसका ग्रो बैग में लगा रखा है, आप देखिए 15x15 इंच का ग्रो बैग है मेरा, और उसमें ये आसान अच्छे से फ्लावरिंग और इसने फ्लोटिंग करी है। देखिए, मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है और जो इसमें मेरे अभी जो छोटे फ्रूट्स हैं उनको मैंने अभी छोड़ दिया, वो जल्दी से इनके टूटने बाद वो जो है इनका साइज़ जल्दी से इंक्रीज़ होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना जो कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट है। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट है, और आप इस पे देखिए इसमें जो है कि कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे ग्रीन एप्पल बेर का है। इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, आप देखिए इनमें कलर। इसमें भी जो मेरे एक दो बेर जो बड़े हो गए हैं साइज़ में, उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो बेर है इसमें इस तरीके से जो है एप्पल की तरह जो है ये रेड कलर का हो जाता है। इसको भी मैं जल्दी से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, देख रहे हैं इसका ऊपर से जो डिजाइन और कलर है जैसे एप्पल का नज़र आता है वैसे ही है। ये सारे हमने जो है अभी हार्वेस्ट कर लिए हैं, बाकी के भी मैंने छोड़े हैं, उनको हम बाद में हार्वेस्ट करते हैं। मैंने छोड़ रहा हूँ, ये भी इनका साइज़ जब बड़ा हो जाएगा तो हम इसका हार्वेस्ट करेंगे। और ये देखिए मेरी नेक्स्ट वेजिटेबल जो है ये मेरे पम्पकिन कद्दू, आप इनका साइज़ देखिए, 1, 2, 3 और मेरे अभी एक ऊपर है 4, और मेरे नीचे 2-3 और जो है पेठे बने हुए हैं। आ सकते हैं इस टाइम पे मेरे पास 7 से 8 जो है पम्पकिन के फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये देखिए कद्दू का एक फल, इसी तरीके से मेरे सारे फल जो है अभी बने हुए हैं, ये अभी सारे स्टार्ट हुए हैं और इनको अभी धीरे बनने में जो है थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि ये सब जो फ्रूटिंग है एक ही बेल पे इतनी सारी हो गई है तो इनको थोड़ा ग्रोथ लेने में टाइम लगेगा। इसको मैं कवर कर देता हूँ। देखिए, कवर करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है कि फ्रूट फ्लाई जो हमारी है वो फल छेदक मक्खी है वो इस पर अटैक नहीं करती, और जो हमारा फ्रूट है वो सेफ़ रहता है। इसको मैंने कवर कर दिया है। और इधर देखिए मेरा जो नेक्स्ट प्लांट जो है ये इसका है गुआवा का, ताइवान पिंक गुआवा। ये अंदर से पिंक कलर का निकलता है और इस पर सारी जो फ्रूटिंग हो रही है, और इसमें एक देखिए ये इस तरीके से जो इसका साइज़ है और जो कलर है ये इस तरीके से इसकी शेप आती है। इसको भी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी पका नहीं है, इसका साइज़ अभी और बड़ा होगा। तो जो गुआवा का प्लांट है आप भी इसको छत पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, ये आसानी से गमले में जो है ग्रो हो जाता है और इसमें आपको अच्छे से फ्रूटिंग मिल जाती है। तो मेरे पास अमरूद की भी कम से कम 4 से 5 वैरायटी है जो लगी हुई है,
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल तोड़ने के लिए। हम अब और इधर जो कि मेरे बैंगन के जो प्लांट थे वो थोड़े अभी विंटर्स आने पे थोड़ा जो है इन्होंने फ्रूटिंग कम कर दी थी, और इस पे अभी फ्लावरिंग, और देखिए अभी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है वापस से, इसमें फ्लावरिंग भी फिर से स्टार्ट हो रही है वापस से, सारे प्लांट जो है मेरे ग्रोथ ले रहे हैं। तो अब हमें फिर से जो है बैंगन की हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी, और इससे पहले मैंने कई वीडियो शेयर की है, मैंने उसमें दिखाया कि मैंने जितने भी ये जो ग्रो बैग में जो प्लांट लगा रखे हैं इनसे मेरी कितनी अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग करी है बैंगन की। हर तीसरे दूसरे दिन 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो बैंगन जो है कि मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो आप अपनी छत में आसानी से जो जो वेजिटेबल है वो ग्रो कर सकते हैं। और इधर देखिए जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट जो है मेरे मूंग, इसका चाइना ऑरेंज का प्लांट है। आप इस पे देखिए जितने मेरे चाइना ऑरेंज थे सारे वो ऑरेंज कलर के हो गए हैं। इनको भी हम एक दिन हार्वेस्ट करेंगे, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका अचार कैसे डालते हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से मेरा जो पेड़ है वो पूरी नीचे से झुक गया है, ये काफ़ी भारी हो गया है। और इधर मेरे जो दूसरा प्लांट है उसमें भी इस टाइम पे कितनी शानदार फ्लावरिंग हो रही है, और जो जितनी फ्लावरिंग हुई थी इसमें जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, आप देखिए। तो ये फ्रूटिंग प्लांट भी बहुत अच्छा है, आप भी इसे अपनी छत में लगा सकते हैं और इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। चलिए अब जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे वो है हमारे मूंगरे, इनको सिंगरे भी बोला जाता है। और ये इस टाइम देखिए मेरे पास कितनी सारी किस कदर गुच्छों में लगी है, और इन सबको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो ये वेजिटेबल बहुत अच्छी है विंटर्स की, आप इसे लगा सकते हैं अपने गार्डन में और इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए इसको हम जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इनका फलियों का साइज़, और ये इनका जो टेस्ट है वो एकदम मूली जैसा है। और ये मिनको सिर्फ ज़्यादा बड़े उसमें नहीं लगा रखा है, आप देखिए जो हमारे जो ये सब्जी वाले कैरेट, जो फ्रूट के जो कैरेट होते हैं इसमें सिर्फ मैंने इनको लगाया है, और इसमें सिर्फ मेरी गिनती से 4 या 5 प्लांट लगे हैं, और उन पे इस तरीके से जो है हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। तो ये वेजिटेबल भी बहुत अच्छी है, और ये जो थोड़ी स्पाइसी सी बनती है, और ये जो वेजिटेबल आप देख रहे हैं मूंगरे की, ये वही जो मूली के ऊपर जो हमारी फलियां आती है फ्लावर्स के बाद उस पर जो है कि छोटे होते हैं, लेकिन जो इनके सीड्स हैं वो अलग से आते हैं, और इनके जो इस पे आपको सिर्फ इस पे जो बीन्स है ये आपकी जो फलियां हैं खाली आपको वही मिलेगी तोड़ने को, और इसमें कुछ नहीं होता। बाकी जो आप मूली लगाते हैं उन पे जो पहले नीचे उसका कद बनता है और ऊपर उसके फ्लावर्स आते हैं पकने पे, तब उस पे आपको इतने सिंगरे मिलते हैं, लेकिन उस पे इस तरीके से आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके जो सीड्स हैं वो अलग से आएंगे मार्केट में, आप वो लेके इसको ग्रो कर सकते हैं। ये लीजिए हमने सिंगरे भी हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, देखिए ये कम से कम ये 1/2 kg होंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली सब्जी की तरफ, उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। और इधर मैंने मेथी भी नीचे ग्रो कर रखी है, और दूसरी साइड पे मैंने इसको पालक भी ग्रो कर रखी है, और मैंने जो है ये पत्ता गोभी ग्रो करी थी। आपको मैं साथ साथ अपने जो पत्ता गोभी का जो अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो आपका पत्ता गोभी का अपडेट है वो भी हम देखते हैं। ये देखिए जो मेरी कैबेज के जो मैंने प्लांटेशन करी थी ये सारी, अब ये सारी फोल्ड होनी शुरू हो गई है, सब बननी शुरू हो गई है। ये देखिए इनका साइज़ काफ़ी बड़ा बड़ा और हैवी हो गया है। और इन सबको मैंने सिर्फ, आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास ये खाद का जो 5 kg का ग्रो बैग था उसमें मैंने इसको ग्रो किया है, और आप इसका देखिए साइज़ कितने अच्छे तरीके से साफ। और मैंने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ये 2 लगाई हैं, और इधर ये देखिए सिर्फ बिस्लेटरी
ये जो बिसलेरी की बोतल है उसकी मैंने हाफ कट करके इसको ग्रो किया है। ये देखिए इनके पत्तों का साइज देखिए आप, और इधर मेरी फ्लावरिंग हो रही है इसमें भी, और इस सारे में ब्रिंजल्स के प्लांट है, इन सब में अभी ग्रोथ ले होनी स्टार्ट हो गई है और बैंगन भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए हम जो हम नेक्स्ट हार्वेस्टिंग है हम वो करने चलते हैं। ये मैंने कैबेज जो थी वो ग्रो करी थी और इसमें मुझे लगता है कि कोई कैलीफ्लावर का बीज आ गया। आप देखिए इसमें जो है मेरी फुल गोभी बन रही है। देखिए जो इस तरीके से आपका जो हेड बनता है कैलीफ्लावर का, तो आपको उसको पत्ते से कवर कर देना चाहिए ताकि उस पर जो धूप का असर है वो ना पड़े, वो अंदर से पूरी है। अंदर से वो एकदम वाइट रहे। और इधर देखिए ये जो मैंने एक लौकी जो सीड्स के लिए छोड़ी हुई थी वो बीच में से इसकी जो बेल है वो सूख गई है, और इसकी जो सीड्स के लिए थी मैं इसको आज कट करने वाला हूँ। कट करके आप इसको सिर्फ किसी सेफ जगह में रख दीजिए, और जो इसको आप काटिएगा नहीं, जब आप इसको नेक्स्ट सीजन में जब आप इसको ग्रो करेंगे सीड्स को, तब आप इसको कट करके इसके सीड्स को निकाल के आप इसके लगा सकते हैं, और इसको आप जहाँ पे रखेंगे सेफ जगह पे रखिए। ये देखिए जो लौकी, इसको मैंने सीड्स के लिए ग्रो करा था, इसका साइज़ देखिए फुल और एकदम भारी है, एकदम हैवी है ये। इसको हम कट करने वाले हैं और इसको मैं किसी सेफ जगह पे रख दूँगा ताकि ये इसके सीड्स हैं वो बनते रहें, और जब इसके जब सीड्स हम नेक्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे तब मैं इसको कट करके इसके सीड्स ग्रो करूँगा। आप भी इसी तरीके से जब किसी की सीड्स रखते हैं, आप किसी फ्रूट रखते हैं, तो उसका जो फ्रूट का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा होना चाहिए ताकि जो जो हमारी जो फ्रूटिंग होती है वो हमारे सीड्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप जब सीड्स ग्रो करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया सीड्स ग्रो कीजिए। ये देखिए, और ये देखिए जो हमारी नेक्स्ट जो फ्रूटिंग प्लांट है वो हमारे स्टार फ्रूट का है, और ये फ्रूटिंग जो प्लांट है ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप इसको अपने टेरेस में ग्रो कर सकते हैं। इसमें मेरे काफ़ी जो अभी स्मॉल प्लांट है इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और इस पर आप देख सकते हैं जो फ्रूटिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, और इनका साइज़ देखिए। जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको इसका वीडियो भी शो करूँगा। ये देखिए अब जो हम नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करने वाले हैं वो हम पालक की करने वाले हैं। मैंने पहले भी जो पालक है वो ग्रो किया था, और जो मैंने पालक है वो पहले भी हार्वेस्ट किया था, और आज हम इसको फिर सेकंड टाइम आज इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। वो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हार्वेस्ट किया था, आप भी देखिए इतनी जल्दी से वो वापस से जो है वो ग्रो हो जाता है। इससे हम कम से कम 4 से 5 बार जो है हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसको मैं जल्दी से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देखिए हार्वेस्टिंग में जो वीडियो है मैं इसलिए पॉज कर देता हूँ ताकि आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लंबी ना बने, तो मैं इसको जल्दी से हार्वेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। और ये मेरे गार्डन में जो रोव्स हैं आप देखिए वो भी कितने अच्छे से खिल रहे हैं, और एक ये मेरे पास जो वाइट कलर का रोज़ है आप देखिए इनका साइज़, और ये काफ़ी सारे निकल रहे हैं, काफ़ी सारे निकलते हैं। और ये जो मेरा मैरून कलर का जो इंग्लिश गुलाब है अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये जो मिनीचर मेरे पास वाइट रोज़ है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इधर से जो पिंक, जो मेरे पास येलो कलर का जो गुलाब है उसमें भी मेरी भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और इधर से जो मेरा ये रेड कलर का जो रोज़ है ये भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इस टाइम पे मेरे गार्डन में जो फ्लावरिंग है वो आप देख सकते हैं, अभी शाम का समय है, कुछ जो फ्लावर है वो अभी क्लोज हो चुके हैं। ये देखिए हिबिस्कस की मेरे पास 4 वैरायटियां हैं, देखिए जो मॉर्निंग में है जिस टाइम धूप निकलती है उस टाइम पे जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी से होती है। और ये मेरे गुलदाउदी के फ्लावर्स देखिए, इसके पास मेरे पास 2-3 वैरायटियां है, एक ये मेरे पास येलो है और जो एक मेरे पास ये रेड वाली है, और इसके बाद मेरे पास जो इसकी वैरायटी है वो वाइट वाली है,
ये जो है मेरे पास वाइट वैरायटी है और इसकी मैंने आपको कटिंग ग्रो करना सिखाया था। देखिए सारे जो मैंने कटिंग से जो लगाए थे ये सारे वही फ्लावर्स हैं और ये सारे अच्छे से खिल रहे हैं। देखिए जो हम आज की हार्वेस्टिंग है वो हम कर चुके हैं। ये थी मेरी दिसंबर की मंथ की वेजिटेबल हार्वेस्टिंग जो भी हमने स्टार्टिंग में अभी करी है। देखिए ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग जो हम कर चुके हैं। तो आपको मेरी हार्वेस्टिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और आप इसी तरीके से हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप भी अपने छत पे वेजिटेबल है जो ग्रो कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।